कब्रिस्तान में ग्राउंड बन गया देखो के इलेक्ट्रिक वाले अल्लाह इनको तबा बर्बाद कर दे। तो फ्री में बांट रहे, अब सुनने में यह है कि इनकी देगे ही खत्म हो जाती है। एक किलो के साथ एक किलो फ्री, पक्की बात है या ऐसी शोर है? पक्की बात है, एक किलो के साथ एक किलो फ्री, अल्लाह राजी, नल्ली बिरयानी डाने के। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब ठीक ठाक मजे में होंगे। तो आज पहली बार बाइक पे, रमजान में पहली बार, पहले एतवार और बाइक पे सफर कर रहे हैं। और ये गुजर नाला और ये बलोच पाड़ा का कब्रिस्तान, काफी सालों के बाद इस रोड से गुजर रहे हैं। तकरीबन 20-25 साल से ऊपर हो गए होंगे इस वक्त हम कब्रिस्तान से गुजर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम या अहल कब्र। और यहाँ क्रिकेट मैच भी किया जा रहा है, कब्रिस्तान में ग्राउंड बन गया देखो। तो अभी असर की नमाज पढ़ी है और अब जा रहे हैं अफ्तारी के लिए। अफ्तारी के लिए जा रहे हैं, यहाँ छुट्टी का दिन था और सोचा था कि सुबह जल्दी उठेंगे, यानी दोपहर को जल्दी उठेंगे, लेकिन लाइट वालों ने तो हद कर दी यार। एक के इलेक्ट्रिक वाले अल्लाह इनको तबाह बर्बाद कर दे। लाइट सुबह से लाइट नहीं आ रही है, तो अभी नींद भी पूरी नहीं हुई। और ये तो अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है कि मौसम अच्छा है, तो इस वजह से नींद का कुछ मसले खलल नहीं पड़ा। तो अभी कब्रिस्तान से बाहर निकल रहे हैं और फिर जाएंगे लियाकताबाद डाखाने के तरफ, बल्कि पहुंचने वाले, और वहाँ अफ्तारी का कुछ सामान लेंगे। ये इस वक्त कहाँ पहुँचे हम, बलोच पाड़ा यानी सी एरिया उस्मान गोड से निकल चुके हैं, बल्कि अब लियाकताबाद डाखाना 2 नंबर के तरफ पहुँचने वाले हैं। तो इंशाल्लाह आपको दिखाते रहेंगे। आज ये इतवार के दिन का वो लोग हमारे साथ रहिए। लियाकताबाद सी एरिया 2 नंबर पहुंच चुके हैं और यहाँ हर साल इतना ट्रैफिक जाम हो जाता है कि ट्रैफिक फ्रूट की रेडियों की वजह से। अब इस वक्त इस साल आप देख सकते हो कि फ्रूट की रेडियां न होने के बराबर है। वजह क्या है? वजह यही है कि महंगाई इतनी हो गई है कि एक गरीब आदमी, फ्रूट तो दूर की बात है भाई, आजकल आटा आटे के लिए तरस रहा है। तो ये इस वक्त जिस जगह से हम गुजर रहे हैं, लियाकताबाद 2 नंबर है, और यहाँ से लेकर इस जगह से, यानी सी एरिया का ये स्टाफ है, सी एरिया से स्टाफ से लेकर आगे जो आपको रोड दिखाई देता है वहां तक, यानी तीन अड्डी तक आपको रोड जाम मिलता रहता है, क्योंकि फ्रूट की रेडियां यहाँ इतनी होती है। और इस बार बिल्कुल सन्नाटा पड़ा हुआ है क्योंकि महंगाई इतनी हो गई है। फ्रूट भी इतना महंगा है तो कौन लेगा? अब लेंगे नहीं तो फ्रूट वाले लगाएंगे नहीं। तो इस वक्त ये, और सही भाई यहाँ इतनी होती है यार, ये भाई ये अल्लाह राजी बिरयानी, ये अल्लाह राजी बिरयानी। और आजकल इस इतना रश के भाई समझ में नहीं आ रहा कि फ्री में बांट रहे। अब सुनने में यह है कि इनकी देगे ही खत्म हो जाती है और इनके कस्टमर भी वापस चले जाते हैं। तो इस किलो के साथ एक फ्री दे रहा है, एक किलो के साथ एक किलो फ्री, पक्की बात है या ऐसी शोर है? पक्की बात है। एक किलो के साथ एक किलो फ्री, एक किलो के साथ एक किलो फ्री, अल्लाह राजी, नल्ली बिरयानी लियाकताबाद डाखाने के पास। और ये रश का आलम भी देखिए कि इतना रश लगा हुआ है कि भाई, और ये अभी टेलर है ना सही भाई, बाद में इतना रश बढ़ जाता है कि यहाँ से बिरयानी मिलना तो दूर की बात, यहाँ खड़ा होना लाइन लगाने में 1 घंटे में खत्म।
एक घंटे में कितना है? एक बेगी या बेगी खत्म? सारी बेगी खत्म हो जाती है। एक घंटे में 40 बेगी? अच्छा तो भाई रश तो काफी है और हम भी इंशाल्लाह ड्राइव करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम। तो चलते हैं अभी कुछ सौदा वगैरह लेते हैं अफतारी के लिए। तो भाई अफतारी ले चुके हैं, जो लेना था फ्रूट तो आजकल बहुत महंगा है तो इतना ज्यादा नहीं लिया, बस एक ही आइटम लिया जो वो भी हमें सस्ते में मिला। अभी घर की तरफ सफर करेंगे तो रोडों के भी आपने देखे नजारे के, रोडों के ये देखे बिल्कुल रोडों के वही सन्नाटा जिस तरह उमूमन पहले अशरे में होता है, तो पहले अशरे में ज्यादातर सन्नाटा होता है। जिस तरह आपसे वीडियो शेयर की थी पहली सहरी के हवाले से, पहले रोजे के हवाले से, पहले जुम्मे के हवाले से, तो ये आज का जो व्लॉग है वो पहले इतवार के हवाले से है। तो आज इतवार को हमने रिक्शे, तो हम वैसे भी किसी भी इतवार को रिक्शा नहीं निकालते हैं, तो ये तो फिर पहला इतवार वो भी रमजान का इतवार, तो इस पर जो हमने छुट्टी की है और अभी देखते हैं आपको दिखाते रहेंगे कि हमारा इतवार का दिन बल्कि ख़त्म होने वाला है, वो आखिरी लम्हात क्या होंगे। तो भाई अब अफ्तारी में रह रहे 15 से 20 मिनट, तो ये आज का इतवार का व्लॉग था आपसे शेयर किया, उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक और शेयर के साथ चैनल भी सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह अगले व्लॉग में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।